स्टूडेंट, मैं प्रदीप साहू, आप देख रहे हैं प्रदीप साहू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा के बारे में, जिसमें से हिंदी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें से हमने आज लाया बहुविकल्पी क्वेश्चनों को, हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को लाया है। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आपका ये बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो इसके पहले हम बताना चाहेंगे, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। तो हमारे सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो पहला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है जयशंकर प्रसाद जी, चौथा है हरदेव बहारी। जिसमें से हमारा राइट आंसर है श्याम सुंदर दास, ये हमारा राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में, हिंदी प्रदीप के संपादक थे कौन थे? तो पहला क्वेश्चन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है राधाचरण गोस्वामी, चौथा है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन। तो हमारा इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो हमारा सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला चलते हैं, देखते हैं अगला कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक, सरस्वती पत्रिका है तो यह क्या है, किस युग की है? शुक्ल युग की है कि द्विवेदी युग की है, भारतेंदु युग की है कि छायावादी युग की है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारे द्विवेदी युग की है, जो सरस्वती पत्रिका है ये हमारे द्विवेदी युग की है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर दे देता है नहीं वाला सिस्टम, बहुत गलत होता है। तो जब बोर्ड एग्जाम में बैठिए तो आप क्वेश्चन को सही सही पढ़िएगा, जिससे कि आपका आंसर सही हो, पता लगे कि आपने भारतेंदु युग की पत्रिका है पढ़ लिया तो आपने लगा दिए, ऐसे वैसे कुछ इसी में गलत हो जाता है। इसलिए आप बोर्ड एग्जाम में बैठते समय 2-3 बार क्वेश्चन को रिपीट करिए। तो ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा हमारा आंसर है। तो देखते हैं, पहला है आनंद कदम ने, दूसरा हरिश्चंद पत्रिका और तीसरा सरस्वती, चौथा है ब्राह्मण पत्रिका। तो हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती ये पत्रिका है, ये हमारी द्विवेदी युग की है, ये भारतेंदु युग की नहीं है। बाकी भारतेंदु युग की ब्राह्मण है, हरिश्चंद्र का है और आनंद कादम्बनी ये हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो स्टूडेंट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इसके पहले फिर मैं आपको एक बार अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम एकदम फाइनल हो जाएगा। अगर आपने इस सीरीज को देख लिया है, अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं 100% दावा करता हूँ। आप देख सकते हैं ये कब कब आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं हमारे, आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं ये 100% दावा करता हूँ। तो आइए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमारा सही आंसर होगा, तो पहले कौन कौन सा है, शिव प्रसाद सितारे हैं, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद जी, तीसरा ठाकुर जगमोहन सिंह, चौथा काशीनाथ खात्री। इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद जी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाला बोधनी पत्रिका का संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। तो निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो पहला हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि प्रेमचंद जी हैं कि हरिशंकर प्रसाद जी हैं, जयनेन्द्र कुमार जी हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर प्रसाद जी, ये हमारा राइट आंसर है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है,
अगला क्वेश्चन है ये, चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो स्टूडेंट हमारा चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चार क्वेश्चन है, चार में देखते हैं हमारा आंसर कौन है। तो पहला है प्रेमचंद, दूसरा श्याम सुंदर दास, चौथा तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, चौथा है गुलाब राय। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि के लिए रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? तो क्वेश्चन को सही से पढ़िए। तो हमारा चार क्वेश्चन दिया है, इसमें से कौन कौन से कौन है? तो विद्या निवास मिश्र हैं कि प्रेमचंद जी हैं, कुबेर नाथ राय जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इसमें से राइट आंसर, तो स्टूडेंट हमारा इसमें से सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ख नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी, ये निम्नलिखित में से निबंधकार नहीं है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आ गया स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं, इसमें से कौन से? ये देख सकते हैं 2016, 18, 19, 3 वर्षों पूछा गया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम जितने क्वेश्चन लाएंगे सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप इसको इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आपके पूरे पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, नवा क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा सही, अपना राइट आंसर कौन सा है? तो इसमें से धर्मवीर भारती है, कुबेर नाथ अष्ट है, यशपाल जी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी, ये हमारे आवारा मसीहा जीवनी के लेखक हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही जीवनी विधा के रचना के लेखक हैं, तो इसमें से कलम के सिपाही जीवनी विधा के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही होगा। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? आप देख सकते हैं 2013, 14, 17, 19 में पूछा गया है, तो आइए देखते हैं ये कौन सा इसमें सही होगा। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा, गुरु गोदान, गुनाहों का देवता, चित्रलेखा, जिसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, तो ये का नंबर हमारा राइट हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकांकी शिल्प के समुचित विकास की दृष्टि से एकांकी के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? इसमें चार क्वेश्चन दिया है, चार, तो जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, उपेंद्रनाथ अस्क, ये चार बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से हमारा कौन सा सही होगा? तो आइए देखते हैं ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसका इसका राइट आंसर है, तो स्टूडेंट हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा, ये हमारा राइट आंसर है, राम कुमार वर्मा जी, ये इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन राकेश रचनाकार हैं, किसके रचनाकार हैं, किस युग के रचनाकार हैं? ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2013 और 19 में आया है, तो इसका देखते हैं इसमें से कौन सही है। भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुक्ल युग के हैं और शुक्लोत्तर युग के हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्लोत्तर युग, इसी के ये रचनाकार है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, तो ये देख सकते हैं कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2015, 18, 19 में पूछा गया है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर है। प्रेमचंद जी,
लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो हमारे इसमें से राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब रा किस विधा की रचना है? तो आप देख सकते हैं इसमें ये कितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2011, 13, 15, 20, 20 में भी पूछा गया है, तो यह कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा के विधा के रचनाकार हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था तो किसने किया था? देख सकते हैं 2016, 18 दो बार पूछा गया है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? राकेश दास ने, राम बच्च बेनीपुरी ने, अगे ने और हरिशंकर परसाई ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, हरिशंकर परसाई ने, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो गद्य विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है, यह हमारा इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो देख सकते हैं 2012, 14, 16 पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, संस्मरण। तो हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कहानी हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार पूर सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर सिंह भारतेंदु युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो स्टूडेंट हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर है? तो भारतेंदु युग है कि द्विवेदी युग है कि छायावादी युग है कि छायावादोत्तर युग है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना के लेखक हैं तो कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं ये कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2017, 19 में पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर है? हजारी हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं तो ये देख सकते हैं 2020 में पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और अगला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आइए अगला देखते हैं, PG सुंदर रेड्डी। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जी सुंदर रेड्डी, तो ये जगह नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। तो आइए अगला देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें 100 अजान 1 सुजान के लेखक हैं, इसमें से कौन सा लेखक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी, आप देख सकते हैं 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरों में पंख बांधकर कृति के विधा है, कौन सी विधा है? आत्मकथा और जीवनी, यात्रा व्रत, उपन्यास। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा यात्रा व्रत, तो ग नंबर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे हमारे, बाल कृष्ण भट्ट आत्मकथा के लेखक हैं तो इसमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह और वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये घ नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, घ नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं तो इसमें से पहला है सदाचार, कहताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेय और मेरे विचार और मंथन। इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
मेरे विचार इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं, तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो आइए अगला देखते हैं।